गाइज इस वीडियो में कवर करेंगे अर्जेंटीना मैक्सिको के बीच में होने वाले मैच की, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फालतू का टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आऊँगा मैच के। ठीक है, तो गाइज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी यहाँ पर 20 ड्रीम इलेवन की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम, यानी आपको ग्रैंड लीग का पूरा कम्बिनेशन इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। दूसरा, इस जो आपको फाइनल टीम मिलेगी गाइज, जो मैच की फाइनल टीम होती है, वो होती है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट कर देना, लाइक कर देना और 20,000 रुपये का गिवअवे इस वीडियो में, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो गाइज यहाँ पर अर्जेंटीना मेक्सिको के बीच में जो मैच होने वाला है, इसमें यहाँ पर अर्जेंटीना के जीतने के ज़्यादा चांस है। पिछले मैच में अर्जेंटीना 2-1 से यहाँ पर हार गया था, जो कि भाई गाइज यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मैच था सऊदी अरेबिया की तरफ से। तो यहाँ पर अर्जेंटीना चाहेगा कि मैच जीतना ही जीतना है, वरना अर्जेंटीना यहाँ से बाहर होने के चांस अर्जेंटीना के हो जाएंगे अगर वो यहाँ पर ड्रॉ करता है या हमें हारने की, अगर वो यहाँ पे हारता है तो, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे 82% लोगों का कहना है कि यहाँ पर अर्जेंटीना की टीम जीतेगी, और यहाँ पे मेक्सिको का कहना है 16% लोगों का मेक्सिको की टीम जीतेगी, जो कि बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इनके जो रिसेंट 5 गेम हुए इन दोनों टीम्स के बीच में। तो अर्जेंटीना ने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट मैच इनको हराया था 2019 में 4-0 से, फिर 18 में हराया था 2-0 से, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है अर्जेंटीना का रहा है, 2-0, 2-2, यानी कि अर्जेंटीना ने इनको पिछले 5 मुकाबले जो खेले हैं उसमें 4 मैच हराए हैं, 1 मैच इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना सबसे नीचे यहाँ पे पोजीशन में अभी स्टैंड कर रही है, सऊदी अरब सबसे ऊपर पोजीशन में है, और यहाँ पे पोलैंड और मेक्सिको का जो मैच ड्रॉ हो गया था इसलिए वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर अभी मौजूद है। लास्ट 5 मैचेस के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है अर्जेंटीना की लास्ट 5 मैच, सिर्फ एक मैच हार गई थी जो लास्ट वाला था, उससे पहले बहुत ही इनका जबरदस्त रिकॉर्ड रहा था, सिर्फ क्लीन शीट ये करता आई थी। और अर्जेंटीना का 37 मैच अनबीटन का रिकॉर्ड सऊदी अरब ने यहाँ पर तोड़ा था, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, मेक्सिको आप देखेंगे, मेक्सिको का आप यहाँ पर लास्ट के 5 मैचेस में 2 मैच जीती है, 1 मैच ड्रॉ है, 2 मैच लॉस की है, ये है मेक्सिको का रिकॉर्ड। पॉसिबल 11 ऑफ अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके स्टार प्लेयर है वो है भाई यहाँ पे लियोनेल मेसी, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर है, इनके गोल करने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इस मैच में गोल करने के इनके हाई चांस है। उसके बाद गाई यहाँ पे आते हैं लोरेंटो मार्टिनेज, ठीक है लोरेंटो मार्टिनेज भी गाई बहुत ही अच्छे प्लेयर है और ये भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे गोल स्कोरर है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आते हैं एंजल डी मारिया, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है, इनके भी गोल करने के चांस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाकी गाइज आप यहाँ पे डिफेंडर को ट्राई कर लेना, चारों डिफेंडर को एज ए ग्रैंड लीग में, सॉरी एज ए स्मॉल लीग में। उसके बाद कोई अगर आप मिडफील्डर ट्राई करना चाहते हैं स्मॉल लीग में तो होंगे यहाँ पे पैराडाइस भी गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्लेयर हैं। बाकी आप आर पॉल हैं जो है ये फर्नांडेज है, इनके गोल करने के चांस कम ही रहते हैं। पॉसिबल 11 ऑफ मेक्सिको की अगर बात की जाए तो आप मेक्सिको की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनका एक इस मैच में नया प्लेयर खेलेगा फ्यूनेस मोरी, जो कि काफ़ी अच्छा इसका रिसेंट रिकॉर्ड है, मैं आपको अभी रिकॉर्ड्स भी बताऊँगा। लोजानो की अगर बात किया तो लोजानो भी गाइज काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसके बाद वेगा भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल गिमिच नहीं खेल रहे हैं, एक्चुअली रॉयल गिमिच की जगह इन दोनों प्लेयर को रखना पड़ रहा है, वेगा और लोजानो को, वरना वो बहुत अच्छा प्लेयर रहता, मेक्सिको की वो बैकबोन है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर इनके आप देख सकते हैं ये इनके डिफेंडर है, डिफेंडर इनके सारे अच्छे हैं। ठीक है, सबसे अच्छा डिफेंडर अगर इसमें मान लिया जाए तो ये वाला डिफेंडर इनका काफ़ी अच्छा है, गिलाल्डो काफ़ी अच्छा है, और सेंचेज को आप रख सकते हैं अगर आपको कोई दो डिफेंडर पिक करने पड़े। उसके बाद गाइज अगर यहाँ पे बात की जाए तो इनके आप यहाँ पे देख देंगे अल्वरेज, ये अल्वरेज ऐसा प्लेयर है जो कि पूरे फील्ड में यहाँ पे दौड़ता रहता है और आपको यहाँ पे पॉइंट भी देगा, टैकल देगा, इंटरसेप्शन देगा, उस मामले में अल्वरेज काफ़ी अच्छा प्लेयर है। उसके बाद गाइज यहाँ पे दूसरा प्लेयर आता है गिलाडो, ठीक है गिलाडो काफ़ी अच्छा प्लेयर है गाइज, वही है सेम टैकल इंटरसेप्शन पासेस के यहाँ पे एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो आप इनको भी टीम में रखते हैं और गिलाडो के यहाँ पे गोल करने के भी हाई चांस रहते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे हरेरिया, तो काफ़ी ये हो गए गाइज पॉसिबल लाइन ऑफ मेक्सिको। आप गाइज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेयर रिकॉर्ड ऑफ अर्जेंटीना, तो इसको आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जब अगर आप यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं तो ये होती है पहले मैसी की। आप यहाँ पे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, रिसेंट रिकॉर्ड अगर आप मैसी का देखेंगे तो 19 क्लब मैच में 12 गोल एंड 14 असिस्ट उन्होंने यहाँ पे किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ बात कर सकते हैं मार्टिनेज एंड डी मारिया, तो मार्टिनेज की अगर बात की जाए गाइज यहाँ पे आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है मार्टिनेज का, 21 मैचेस 8 गोल एंड 5 असिस्ट। और यहाँ पे अगर डी मारिया का देखा तो डी मारिया की काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैचेस 1 गोल एंड 4 असिस्ट, एंड यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी डी मारिया का अच्छा है, मार्टिनेज का भी काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, क्लब रिकॉर्ड भी गाइज इनका दोनों प्लेयर्स का बहुत शानदार है, इन दोनों के गोल मारने के चांस हमेशा रहते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है
आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी स्टेट, आप चेक कर लेना डिपॉल की, डिपॉल भी अच्छे प्लेयर है। फिर आप पराडिस का चेक कर लेना गाइस, ये पराडिस भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। ग्रैंड लीग की पिक है एलिस्टर खेलेंगे नहीं, मोलिना का आप देख लेना, सारे डिफेंडर है, रोमेरो है, ओटामांडी है, एक्यूना है, फ्रेंडेस है, फ्रेंडेस का भी आप रिकॉर्ड देख लेना गाइस, सारे अच्छे प्लेयर हैं। किसमें? ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में। अगर डिफेंडर की बात किया तो यहाँ से अर्जेंटीना के आपको चार डिफेंडर लेने पड़ेंगे आज की स्मॉल लीग की टीम में, तो ये चारों डिफेंडर यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, इनको आपको अपनी टीम में पक्का पिक करना पड़ेगा। प्लेयर रिकॉर्ड ऑफ अगर मैक्सिको की बात की जाएगा, तो मैक्सिको का जो स्टार प्लेयर है, मैंने ग्रीन ग्रीन किए हुए हैं, ये सारे स्टार प्लेयर हैं मैक्सिको के, इन सब के गोल मारने के चांस यहाँ पे बराबर रहते हैं। उसके बाद बात गई यहाँ पे मोरेनो है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बाद गए यहाँ पर देख सकते हैं सेंचेज है, मोरी का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, गए नए थोड़ा प्लेयर हैं, इनका रिसेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोरी ने पिछले 13 मैच में 5 गोल एंड 2 असिस्ट, आज ही खेलेंगे तो आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। तो मोरी भी आप विशेष इसको ग्रैंड लीग में आप कैप्टन मान के चलना। तो गाइस जब बात करते हैं हम ड्रीम इलेवन की टीम की, उसमें मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बताऊंगा, बट आपको पहले गाइस यहाँ पे एक 20,000 रुपये का गिव अवे दे रहा हूँ। आपको मैच का फर्स्ट गोल प्लस मैच का सेकंड गोल की आपको प्रेडिक्शन देनी है कि कौन कौन से मिनट में आएगा। सपोज मैच का फर्स्ट गोल आता है 13 मिनट में, मैच का सेकंड गोल आता है 48 मिनट में, तो आपको कमेंट में टाइप करना है मैच फर्स्ट गोल टाइम 13 मिनट, मैच सेकंड गोल टाइम 48 मिनट, बस इतना ही आपको कमेंट करना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वही तीन काम आपको करने हैं। अगर आपका तुक्का सही लग गया गाइस, दोनों अगर मैच के फर्स्ट एंड सेकेंड गोल का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट सही हो गया, तो मैं आपको दूंगा 20,000 रुपये का गिव अवे। ओके गाइस, अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। चलो बनाते हैं यहाँ पे, पहले भाई मैं यहाँ पे इसे फिल्टर करूँगा अर्जेंटीना के प्लेयर्स को। यहाँ से मैं लूँगा मेसी, मार्टिनेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है गाइज। उसके बाद मैं यहाँ पे से लूँगा एंजल डी मारिया, बाकी मैं उठाऊँगा सारे के सारे डिफेंडर यहाँ के, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे क्लीन शीट देने के चांस आज ज़्यादा हैं इनके, ये अर्जेंटीना की टीम के। तो ये मैंने यहाँ पे डिफेंडर उठा लिए, एक मिडफील्डर उठा लिया जो कि मैन मिडफील्डर एंजल डी मारिया, मैसी को उठा लिया और यहाँ पे मार्टिनेज को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं पिक करता हूँ मैक्सिको के गोलकीपर को, जिनका गोल सेव करने का चांस आज के मैच में बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर एल्वारेज को रखता हूँ, एंड यहाँ पे ग्रैडो को रखता हूँ, ये गेरडाडो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये खेलेगा आज के मैच में। और उसके बाद गाइज मैं यहाँ से ग्रैडो को यहाँ से फिर से रख लेता हूँ, जो ऊपर वाला डिफेंडर वाला है। तो ये हो गए कितने, ये चार मैंने ऐसे प्लेयर रख दिए कि ये ठीक ठाक होंगे। या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोजानो और मार्टिन पर गाइज यहाँ पर डाउट ही है, पर आप चाहो तो यहाँ से मार्टिन को रख सकते हो, मार्टिन का जो रिसेंट रिकॉर्ड है ना काफ़ी ठीक है, तो आपने यहाँ पे मार्टिन को रख दिया और इस टाइप से एक टीम यहाँ पे बना सकते हो अर्जेंटीना और मेक्सिको के लिए। ठीक है, तो ये टीम हो सकती है बहुत ही बेस्ट। तो यहाँ पे कैप्टन आपको क्या करना है, कैप्टन को करोगे आप यहाँ पे मेसी को, वाइस कैप्टन आप कर सकते हो मारिया को या तो मार्टिनेज को। ठीक है, तो यही होगी स्मॉल लीग की टीम आज के मैच में। इसमें आप किसी वाइस कैप्टन को, कैप्टन वाइस किसी डिफेंडर को वाइस कैप्टन मत करना, क्योंकि वो रिस्क हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गई, आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ क्या मैंने बोला, काफ़ी लोगों को तब भी समझ में नहीं आएगा। ये हो गई लगभग मेरी स्मॉल लीग की टीम, इसी टीम से लगभग मैं खेलने के लिए उतरूंगा, और कुछ चेंज भी हो सकती है, आपको मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम में दूंगा। अब बात करते गाइज ग्रैंड लीग की टीम, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हो। तो गाइज पहले इन सब प्लेयर्स को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब गाइज पहले हमको बनानी है अर्जेंटीना जीतेगी 1-0 से। ठीक है, तो 1-0 से अगर अर्जेंटीना जीतती है तो हमको कैसी ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, अगर अर्जेंटीना का स्कोर होता है 1, मैक्सिको का स्कोर होता है 0, तो हमको ऐसे डिफेंडर पिक करना है, रोमेरो को पिक करना है, टैगलेफिको को पिक करना है, ओटामांडी को पिक करना है, यहाँ से मोलिना को पिक करना है, जो भी खेलेगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे इसको मैं रहने देता हूँ, इसको नहीं पिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मार्टिनेज को पिक करता हूँ, और यहाँ से मैसी को पिक करता हूँ, और एक मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से मार्टिनेज को। ठीक है, और यहाँ से मैक्सिको में वो ही प्लेयर यहाँ पे चूज करूँगा जो मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट देते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट जो मैक्सिको का देगा, जो गोल भी नहीं करेगा और वो भी नहीं करेगा, असिस्ट भी नहीं करेगा, तो भी देगा यहाँ पर एल्वारेज, क्योंकि ये फील्ड में घूमता रहता है। उसके बाद हरेरिया है, उसके बाद यहाँ पर चावेज है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे पॉइंट यहाँ पर देते हैं, तो इनको आप रख लेना, पर चावेज का खेलने का चांस उतना नहीं है, तो आप यहाँ पे ग्लाल्डो को रख सकते हैं। तो ये टीम होगी मेरी इस मैच की, मीन ये टीम मेरी किसके लिए होगी गाइज, ये होगी ग्रैंड लीग की। अब यहाँ पे ग्रैंड लीग में मुझे क्या करना है, ग्रैंड लीग में मुझे यहाँ पे करना है मैसी कैप्टन, वाइस कैप्टन मार्टिनेज, मैसी कैप्टन, वाइस कैप्टन एंजल डी मारिया, मैसी कैप्टन एंड यहाँ पे वाइस कैप्टन टैगलेफिको को, एंड यहाँ पे वाइस कैप्टन
और टमांडी। तो ऐसे करके तो मेरी ये पांच टीम ऐसे बन जाती है, ठीक है। उसके बाद गाइज इसी टीम को आप बरकरार रखना, इसको छेड़ना नहीं है। एंजल डी मारिया कैप्टन, मैसी वाइस कैप्टन, मार्टिनेज वाइस कैप्टन, ठीक है, यहाँ से वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन। फिर इसी की टीम को छेड़ना नहीं है गाइज, इसको ही रखना है। गैंडली के कम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैसी हो जाएंगे, अब एंजल डी मारिया हो जाएंगे, टैगलीफिको हो जाएंगे, मोलिना हो जाएंगे, ओटामांडी हो जाएंगे। एक कुछ टीम आप ऐसे बना सकते हो। अब कुछ टीम में आपको थोड़ा सा रिस्क वाली ग्रैंड लीग बनानी है। रिस्क वाली में क्या होगा, मार्टिनेज को हटा दीजिए, मैसी को बिल्कुल मत हटाना किसी भी टीम से, वरना आप हार जाओगे। यहाँ से आप पैराडाइस को रख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैराडाइस कैप्टन, ठीक है, टैगलीफिको वाइस कैप्टन, ओटामांडी वाइस कैप्टन, एंजल डी मारिया वाइस कैप्टन एंड मैसी वाइस कैप्टन। कैप्टन किसको करा था आपने, पैराडाइस को। तो एक टीम ये बन गई। अब यहाँ पर से आप पैराडाइस को हटा के, जो भी यहाँ पे शायद ई फर्नांडिस खेलेगा आज के मैच में, तो आप यहाँ पे ई फर्नांडिस को रख के कैप्टन, मैसी वाइस कैप्टन, एंजल डी मारिया वाइस कैप्टन, ठीक है, यहाँ से ओटामांडी वाइस कैप्टन। तो ये तो हो गई गाइज मैसी, ये हो गई आपकी 1-0 वाली टीम, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज होता है 2-0 होता है, अर्जेंटीना 2-0 3-0 को खेलती है, तो उसमें आपको कैसी टीम करनी है, उसको आप, मैं यहाँ से एक मोलिना को हटा दीजिए जो सबसे कमज़ोर डिफेंडर है, यहाँ पर लोरांटो मार्टिनेज को रख दीजिए, यहाँ से जो इनका गोल मारने के चांस पैराडाइस के ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो गई 2-0 वाली टीम। अब 2-0 है तो यहाँ से आप ना इसको भी हटा दीजिए, और यहाँ से रख दीजिए आप एटुना को रख दीजिए, किसी को भी रख दीजिए, ऊपर का डिफेंडर हटा दो इसका। तो यहाँ पर हो जाती है पैराडाइस कैप्टन, मैसी वाइस कैप्टन, मैसी कैप्टन, लोरांटो मार्टिनेज वाइस कैप्टन, मैसी कैप्टन, एंजल डी मारिया वाइस कैप्टन, डी मारिया कैप्टन, मार्टिनेज वाइस कैप्टन, मैसी वाइस कैप्टन। तो इस टाइप से आपकी बनती है 2-0 3-0 की टीम, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्राइकर या मिडफील्डर रखने होते हैं, क्योंकि 2-0 3-0 के लिए आप जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ पर अगर सपोज मैक्सिको 1-0 हो जाता है तो क्या करोगे, उसकी भी टीम बनानी है। आपको 20 टीम बनाने का मौका मिलता है, जो लोग ज़्यादा टीम से खेलते हैं मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। तो अगर मैक्सिको भी 1-0 होता तो पहले तो आप मैक्सिको का गोलकीपर उठा लो, गेलार्डो को उठा लो, बोरेने को उठा लो, मोंटेस को उठा लो, सेंचेस को उठा लो, ठीक है। उसके बाद गए यहाँ का एक अच्छा प्लेयर जो पॉइंट देता है वो है ई अल्वारेज, जो पॉइंट देता है। अब 6 प्लेयर तो हमने ये पिक कर लिए, 7वां प्लेयर आप पिक करो यहाँ से लोजानो। अर्जेंटीना की तरफ जाओ तो अर्जेंटीना का एक मैसी को तो आपको पक्का रखना है किसी भी हालत में। फिर यहाँ से एंजल डी मारिया को रख लो, पैराडाइस को रख लो, एंड यहाँ से आप रोमेरो को रख लो, किसी को भी रख लो जो ज़्यादा पॉइंट देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, यहाँ पे होगा लोजानो गोल मारेगा, ठीक है। बाकी अगर लोजानो गोल मारेगा तो लोजानो के तब भी 50 पॉइंट ज़्यादा नहीं होने वाले 1-0 की कंडीशन में। उसमें पॉइंट किसके होंगे, तो गए जिसमें ऐसा करना है हमको कि एक बार लोजानो को रखना है एक बार, फिर हम यहाँ पर रखेंगे अल्वारेज को कैप्टन करेंगे, फिर सेंचेज को, मोंटेज को, ओछा को, एंड यहाँ पे मोरेनो को। तो इस टाइप से बनेगी हमारी अर्जेंटीना 1-0 की टीम। फिर उसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे, लोजानो को हटा के मार्टिनेज को रख देंगे। अब मार्टिनेज को रख देंगे तो यहाँ पे कर देंगे मार्टिन को कर देंगे वाइस कैप्टन, अल्वारेज कैप्टन, ठीक है, ओछा कैप्टन, मोरेनो कैप्टन। इस टाइप से हम बनाएंगे ग्रैंड लीग की टीम। तो काफ़ी सेट हमारे ग्रैंड लीग के ऐसे बन जाएंगे, 20-25 सेट बन जाएंगे। तो इस टाइप से आप ग्रैंड लीग में बना सकते हो टीम, ये बन जाएगी आपकी 1-0 मैक्सिको की टीम, ठीक है। इस तो अगर आपको, आई होप मेरी जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को गाइज मेरे सब्सक्राइब कर देना। और 20,000 रुपये वाला गिव अवे मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे उसको ज्वाइन करना, उसको भी ज्वाइन कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। तो दोनों आप ज्वाइन कर लेना। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।